सबको शुभोदय। मैं हिंदी में बेसिक्स बोलने का आई थी। बेसिक्स में फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट क्या है देखिए, वर्णमाला। वर्ण प्लस माला दोनों शब्द मिलने से बनती है शब्द वर्णमाला। सुनिए, वर्णों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण की माला को वर्णमाला कहते हैं। देखिए क्या वर्ण क्या है, देखो वर्ण भाषा के छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या शब्द कहलाती है। क्या वर्ण का डेफिनेशन क्या है? भाषा के छोटी से छोटी ध्वनियाँ, मैं बात करते समय मेरे मुंह में आने से छोटी ध्वनियाँ को कहते हैं वर्ण। उसे नहीं टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े में उसे खंड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहलाते हैं वर्ण। वर्ण या शब्द, वर्ण का और एक नाम भी है शब्द। एक बार ध्यान से सुनियो, वर्णमाला, वर्ण प्लस माला ये दोनों शब्द मिलने से बनती है वर्णमाला। क्या है वर्ण का डेफिनेशन क्या है? भाषा के छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या शब्द कहलाती है। वर्णमाला क्या बोली? वर्ण प्लस माला दोनों शब्दों मिलने से बनती है वर्णमाला। अब वर्णमाला का डेफिनेशन देखिए, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह को, एक फूल की माला किस तरह रहती है? ये फूलों को एक धागा से क्रम पद्धति में गूंदने से एक माला बनती है, इसलिए वर्णों को क्रमबद्ध समूह को हमें वर्णमाला कहती है। नहीं तो वर्णमाला स्वर व्यंजन संयुक्त अक्षर रहते हैं ना, उसको स्वर को स्वर में रखना, व्यंजन और संयुक्त अक्षर को डिवाइड करके इतने एक वर्णमाला बनती है। इस तरह वर्णमाला हमारे हिंदी वर्णमाला में आ से श्रा तक रहने वाले वर्णों को हमें क्या कहते हैं? वर्णमाला। आ से श्रा तक रहने वाले वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में अल्फाबेट्स में आपको मालूम वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स किस तरह रहेगी, हमारे हिंदी वर्णमाला में भी स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन भी है। स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन, स्वर मीन्स वोवेल्स, आपको अंग्रेजी में मालूम वोवेल्स, व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को अपने हिंदी में बोलते हैं व्यंजन स्वर। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन चार है, वो क्या है मैं बोलती। देखिए पहला है स्वर, आ से औ तक रहने वाले वर्णों को हमें बोलते हैं स्वर। आ से औ तक रहने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर। नेक्स्ट दूसरी वर्ण क्या है? व्यंजन। का से हा तक रहने वाले वर्णों को हमें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड वन संयुक्त व्यंजन, हमारे हिंदी वर्णमाले में चार संयुक्त व्यंजन है, वो क्या है? क्ष त्र ज्ञ श्र। क्या क्या है वो संयुक्त व्यंजन? क्ष त्र ज्ञ श्र, ये चार वर्णों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। मैं आप पूछती हूँ एक बार ध्यान से सुनिए, आ से श्र तक रहने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में तीन पार्ट है, वो क्या है? पहला वर्ण स्वर, दूसरी वर्ण व्यंजन, तीसरी वर्ण संयुक्त व्यंजन। क्या है? स्वर। आ से औ तक रहने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। नेक्स्ट व्यंजन, का से हा तक रहने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? चार है, वो क्या है? क्ष त्र ज्ञ स्र। अब मैं रिवर्स से क्वेश्चन पूछती हूँ, बोलो आ से श्र तक रहने वाले वर्णों को हमें क्या कहते हैं? वर्णमाला। आ से औ तक रहने वाले वर्णों को हमें क्या कहते हैं? स्वर। नेक्स्ट का से हा तक रहने वाले वर्णों को हमें क्या कहते हैं? व्यंजन। हमारे हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन है, इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं और संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन ये दोनों एक ही है। कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? चार है, वो क्या है? क्ष त
त्र ग्य सा। देखो नेक्स्ट वर्णों का उच्चारण किस तरह देखना आगे चलेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला का डेफिनेशन क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला का डेफिनेशन वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में तीन पार्ट है, वो क्या है, स्वर व्यंजन संयुक्त अक्षर। स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं और संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला पर हमारे हिंदी वर्णमाला में कहाँ से कहाँ तक करने वाले वर्णों को वर्णमाला कहते हैं, आ से श्रा तक, आ से श्रा तक रहने वाले वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। अगला वर्ण क्या है, स्वर। स्वर देखो, स्वर में क्या क्या है, स्वर आ से औ तक, आ से औ तक रहने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ये दोनों अलग है, ये दोनों आगम बढ़िया करते हैं, उसको चौक नहीं कर सकते स्वर में। देखिए स्वर, स्वर का उच्चारण क्या है, आ आ ई ई उ ओ रु ए आई ओ औ अम अह। एक बार देखिए, स्वरों का उच्चारण ध्यान से सुनिए, आ आ ई ई उ ऊ रु ए आई ओ औ अम अह। नेक्स्ट व्यंजन, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, का से हाँ तक, का से हाँ तक रहने वाले वर्णों को हमें क्या कहते हैं, व्यंजन। देखो एक बार इसका उच्चारण किस तरह है कि का ख ग घ ङ छ छ झ झ ञ ट ठ ड ढ ण। इसका उच्चारण देखो, ढ अढ, ये भी ट वर्ग में है, नहीं तो उसको ढ अढ़ा कहते हैं, नीचे ढाट लगे नुक्ता कहते हैं। नेक्स्ट ता था द ध न। नेक्स्ट पा फा ब भ म या रा ला वा सा शा सा हा। चार सामयिक व्यंजन है, वो क्या, क्ष त्र ज्ञ स्र। चार सामयिक व्यंजनों का उच्चारण क्ष त्र ज्ञ स्र। अब देखिए देखो, आ से औ तक रहने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, का से हां तक रहने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, और चार सामयिक व्यंजन क्ष त्र ज्ञ स्र। ए है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो फर्स्ट ए का ख ग ग ङ, ये जे पांच है, का वर्ग बोलते हैं। पहला वर्ग क्या है, का, इसीलिए वो बोलते हैं का वर्ग। नेक्स्ट च छ ज झ ञ, इसे बोलते हैं छ वर्ग। पहला वर्ग क्या है, छ, इसीलिए ये बोलते हैं छ वर्ग। नेक्स्ट ता ठ ड ढ अण, और दोनों भी हैं ड अडा। नेक्स्ट ये इसे बोलते हैं, पहला वन क्या है, टा, इसीलिए ये बोलती है, बोलते हैं टा वर्ग। नेक्स्ट वन ता थ द ध न, इसमें पहला वन क्या है, टा, इसीलिए ए वर्ग को बोलते हैं ता वर्ग। नेक्स्ट पा फा ब भ म, इसमें पहला वन क्या है, पा, इसलिए बोलते हैं पा वर्ग। इस तरह वर्गों के बारे में बांटा जाती है ये वर्ण, वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण अच्छी तरह पढ़ो और अच्छी तरह सीखना। एक बार वर्णों का उच्चारण देखेंगे, स्वर, स्वर आ से औ तक रहने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर। का से हां तक रहने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन। चार संयुक्त व्यंजन है, वो क्या है, क्ष त्र ज्ञ स्र। ओके ठीक है, ये वर्णमाला, ये वर्णमाला दो बार, दो आठ तीन बार पढ़कर लिखो। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच।